प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब को अपना पक्का घर देने का अभियान सिर्फ सरकारी योजना मात्र नहीं है, ये गांव को गरीब को विश्वास देने की प्रतिबद्धता। भारत में नई सरकार के शपथ लेते ही सबसे पहले जिन फैसलों पर मुहर लगी उनमें किसान सम्मान निधि के तहत पैसा जारी करना और पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ आवास देना सबसे अहम था। इस ड्रीम प्रोजेक्ट से सबके पास अपना घर वाला सपना साकार होने वाला है। पिछले 10 साल में केंद्र सरकार ने अब तक गरीबों के लिए 4.21 करोड़ मकान बनाए हैं। आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आइए हम जानते हैं कि पीएम आवास योजना क्या है और इसके तहत कौन लोग सरकार से घर बनाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्या है प्रधानमंत्री आवास योजना? प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार ने 2015 में लागू किया। ये एक ऐसी सरकारी स्कीम है जिससे लोगों को अपना घर बनाने में मदद मिलती है। सरकार की तरफ से करीब 2.5 लाख रुपए दी जाती है। इसके तहत निर्मित सभी घरों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अन्य योजनाओं की मदद से घरेलू शौचालय, LPG कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन आदि जैसे अन्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा सिर्फ गरीबों को ही मिलता है, लेकिन अब इसमें शहरी इलाकों के गरीब और मध्य वर्ग को भी इसके दायरे में लाया गया है। इसमें इनकम के आधार पर कई कैटेगरी है और उन कैटेगरी के आधार पर लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। शुरुआत में इस योजना में होम लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी और उसी पर सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इसे 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है। पीएम आवास योजना के लिए पात्रता, आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल या उससे ज्यादा हो, आवेदनकर्ता का भारत का नागरिक होना भी जरूरी, 18 लाख रुपए तक की सालाना इनकम वाले परिवारों के लिए भी योजना उपलब्ध, व्यक्तियों के पास भारत के किसी भी हिस्से से कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। अगर परिवार में किसी सरकार की सरकारी नौकरी है तो उसे भी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। EVS से जुड़े लोगों की सालाना इनकम 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज, पहचान पत्र, पता प्रमाण, आय प्रमाण, संपत्ति दस्तावेज। कैसे करें अप्लाई? सबसे पहले कैटेगरी MIG LIG की पहचान करें, जिसके तहत आप PMAY के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आधिकारिक वेबसाइट http://pmaymis.gov.in पर जाएं। मेन मेन्यू में नागरिक मूल्यांकन या सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करें और आवेदक कैटेगरी का चयन करें। अब अपना आधार का डिटेल फीड करें। अपने व्यक्तिगत आय, बैंक खाते के विवरण और वर्तमान आवासीय पते के साथ ऑनलाइन PMAY का आवेदन भरें। कैप्चा कोड दर्ज करें, सही ढंग से जानकारी को वेरीफाई करें और सबमिट करें। अगर आप ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इसके लिए अपने घर के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाएं और वहां से फॉर्म लेकर भरें। ऑफलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको 25 रुपए प्लस GST देना होगा। इसके अलावा आप चाहे तो किसी बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में जाकर भी फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म के साथ सभी जरूरी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जरूर जमा करें। तो अगर आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो तुरंत अप्लाई करिए और अपने घर बनाने का सपना साकार करिए। ऐसे ही सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए देखते रहिए एकल भारत।